एवरीवन, हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे जिसमें था कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए हैं जिसमें पहला पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म, जो सेक्शन 37, 38 और 39 पर था। उसके बाद सेकंड पार्ट में बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म था, जिसमें 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45 हमने सेक्शंस पढ़े। अब इसका थर्ड पार्ट है जो बताता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उसके लिए टाइम और प्लेस भी होगी, कब उसकी परफॉर्मेंस होगी और किस टाइम होगी और किस जगह होगी। ठीक है, तो इधर जो बताए गए हैं सेक्शन 46 टू 50 तक, ये बताया गया है कि किस तरह से और किस वक्त किस जगह पर परफॉर्मेंस हो सकती है। तो सबसे पहले सेक्शन 46 में बताया गया है कि व्हेन नो एप्लीकेशन टू बी बैड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रोमिसर को काम करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए ना प्रोमिसी कुछ रहेगा, ना एप्लीकेशन देगा और ना ही उसने टाइम बताया है, तो फिर ऐसी सूरत में प्रोमिसर क्या करे। ठीक है, जैसे प्रोमिसर ने प्रोमिसी को कुछ काम करने के लिए प्रोमिस किया है, अब वो काम करने का टाइम आ गया है परफॉर्मेंस का, मतलब परफॉर्मेंस करनी है, और ना ही तो प्रोमिसी ने उसे वक्त बताया है किस टाइम करनी है, ना ही तो जगह बताई है किस जगह करनी है, तो फिर क्या किया जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में इन्होंने सेक्शन 46 में बताया गया है कि अगर ऐसी टाइम है कि ना एप्लीकेशन दी जा रही है प्रोमिसी की तरफ से और ना उसने टाइम बताया है, तो फिर रीज़नेबल टाइम पर उसे परफॉर्मेंस दी जाएगी और रीज़नेबल प्लेस पर। अब यहाँ बात आती है कि रीज़नेबल टाइम होगा क्या, रीज़नेबल प्लेस होगी क्या, क्या होगी। तो यहाँ मेन बात है वो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की। यहाँ फैक्ट का पॉइंट आ रहा है और वो इस तरह होगी कि जो भी केस की सर्कमस्टांसिस होंगी या जिस भी नेचर का प्रॉमिस होगा उसके हिसाब से उसे परफॉर्मेंस दी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, पीटर प्रॉमिस करता है कि वो जॉन को 5000 रुपीस देगा उसके घर पर। ठीक है, जो उसने उससे लोन लिया था जॉन से, उसने पीटर ने कहा कि मैं आपको आपके घर पर 5000 रुपये दे दूँगा 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी। ठीक है, और प्रॉमिसी ना उसे एप्लीकेशन देगा इस बारे में कि आप मुझे ये दें आकर, ना उसने उसे टाइम बताया है कि आपने किस टाइम आकर देना है। तो यहाँ पर मेन बात है कि उसको फिर जो प्रोमिसर है उसे परफॉर्मेंस के लिए रीज़नेबल टाइम पर जाना है। तो रीज़नेबल टाइम यहाँ पर किस तरह देखा जाएगा, सर्कमस्टांसिस या नेचर से देखा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर इन लोगों ने ये बताया है कि पीटर जो है, जिसने परफॉर्मेंस देनी है यानी कि वो प्रोमिसर है, वो अपने घर से जाता है जॉब के लिए सुबह 6 बजे। ठीक है, और जिसे उसने परफॉर्मेंस करके देनी है यानी कि जॉन, जिससे उसने पैसे लिए थे और वापस देने हैं, वो सुबह 6 बजे ही घर अपने आता है नाइट जॉब से। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रीज़नेबल टाइम है वो सुबह 6 के बाद है, क्योंकि जो जॉन है, जो प्रोमिसी है, उसके वो घर पर ही सुबह 6 बजे के बाद आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रीज़नेबल टाइम है पीटर के लिए वो ये है कि वो 6 बजे के बाद उसके घर जाकर उसे परफॉर्मेंस कर सकता है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 46 में बताया गया कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पर एप्लीकेशन भी नहीं जा रही हो और ना तो टाइम स्पेसिफाइड हो, तो फिर प्रोमिसर क्या करेगा, वो रीज़नेबल टाइम के हिसाब से जाएगा, जो कि पॉइंट ऑफ फैक्ट है यहाँ पर। सेकंड बताया गया है सेक्शन 47 में, जो कहता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। मतलब ऐसी सूरत हाल जहाँ पर प्रोमिसर को टाइम तो बता दिया गया है लेकिन ये नहीं कहा गया, एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी, उसे कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा कि आप मुझे परफॉर्मेंस दें, बस टाइम बता दिया गया है, तो फिर तब क्या होगा। व्हेन प्रॉमिस इज़ टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे एंड द प्रोमिसर हैज़ अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, द प्रोमिसर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे एंड द प्लेस एट विच द प्रोमिस आउट टू बी परफॉर्म्ड। यहाँ पर यह कहा गया है कि प्रोमिसी ने प्रोमिसर को एक सर्टेन डे तो बता दिया हो कि इस दिन आपने आकर परफॉर्मेंस देनी है, जैसे संडे, मंडे, ऐसा कोई डे बता दिया गया हो। ठीक है, लेकिन जो प्रोमिसर है उसे किसी एप्लीकेशन पर नहीं आना कि वो बताएगा इस टाइम आओ इस टाइम नहीं, बस ने दिन बता दिया है उसे। ठीक है, तो फिर वो क्या करें जब उसे कोई एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी लेकिन उसे एक टाइम स्पेसिफाइड कर दिया या एक दिन बता दिया है। तो इसमें ये कहा गया है कि फिर
वो रेगुलर जो यूजुअल बिजनेस आवर्स हैं उस पर आए और जिस जगह पर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस जगह पर परफॉर्मेंस दे दे। फॉर एग्जांपल, पीटर प्रॉमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू जॉन ऑन पेमेंट ऑफ एन एडवांस ऑफ ₹5,000। पीटर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये गुड्स जो है जॉन को उसने प्रॉमिस किया आपको मैं डिलीवर कर दूंगा, लेकिन आपको ₹5,000 मुझे एडवांस में देने होंगे। जॉन मेक्स द पेमेंट एंड आस्क पीटर टू डिलीवर द गुड्स ऑन अ संडे। जॉन ने पेमेंट कर दी एडवांस में और पीटर को कहा कि आप ये गुड्स मुझे डिलीवर कर दें संडे वाले दिन। सिंस द टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड, पीटर शुड डिलीवर इट बिटवीन 9 AM एंड 6 PM, अज्यूमिंग दूज आर द रेगुलर बिजनेस आवर्स इन द प्लेस डिलीवर। मतलब यहाँ पर बात आ जाती है एक तरह से कस्टम्स की भी, और जो यूजुअल और ऑर्डिनरी इम्प्लाइडली होता है एक तरह से, यह कि जिस भी गुड्स में वो डील करता है या जिस भी एरिया में वो उसकी शॉप है उस टाइम पे उसे पता है कि भाई 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक वो बाज़ार खुला रहता है, उधर की दुकानें इस तरह खुली रहती हैं, तो इसका मतलब उसे ये भी एक रीज़नेबल टाइम या फिर जो यूजुअल बिज़नेस आवर्स उसे पता है उस टाइम पर खुले रहते हैं, तो वहाँ पर वो जो प्रोमिसर है वो डिलीवर करेगा गुड्स, और जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस जगह पर। ये यहाँ पर बताई गई है कि किस तरह से वो यूजुअल आवर्स पर और जिस प्लेस पर वो प्रॉमिस हुआ था या उसने कहा था या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उधर परफॉर्मेंस देगा। इफ़ पीटर अटेम्प्ट्स डिलीवरी आफ्टर द बिजनेस आवर्स, देन जॉन हैज़ द राइट टू नॉट एक्सेप्ट द गुड्स एंड आस्क पीटर डिलीवर्ड अगेन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। हाँ, ये एक इंसान की जो अगर प्रोमिसर है उसके पास भी एक इम्प्लाइडली एक उसकी ऑब्लिगेशन है कि अगर वो किसी भी तरह की डिलीवरी कर रहा है तो वो रेगुलर या जो यूजुअल बिजनेस आवर्स है उसमें करे। अगर वो उससे हटकर कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है जो प्रॉमिस ही है उसके पास पूरा राइट है कि वो उसे रिजेक्ट कर दे और उसे कहे कि आप मुझे बिज़नेस आवर्स पर ही दें। जैसे मिसाल के तौर पे पता है उसे कि 10 बजे तक उस बंदे की दुकान खुली रहती है लेकिन वो डिलीवर कर रहा है 1 बजे जाकर, तो उसके पास ये टाइम है, उसके पास ये राइट है जो प्रॉमिस ही है कि रिजेक्ट कर दे कि मैं तो अब घर आ चुका हूँ, मेरा तो दुकान अब बंद है, आप क्यों बाहर आके खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि मुझसे डिलीवरी लें। तो ये एक रूल बताया गया है टाइम एंड परफॉर्मेंस का सेक्शन 47 में। सेक्शन 48 बताता है एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी रिक्वायर्ड कि एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। मतलब जब प्रोमिसी एप्लीकेशन देगा तब ही प्रोमिसर उसे परफॉर्मेंस देगा। ये सेक्शन 48 में बताया गया है कि व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे एंड द प्रोमिसर हैज़ नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। ऐसी जगह या प्रोमिसर को अब विदाउट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस नहीं देनी, तो फिर प्रोमिसी का यहाँ पे राइट है कि वो अप्लाई करे एप्लीकेशन के लिए, उसे बताए कि आपने इस जगह आना है और इस टाइम पर आना है, और वो भी प्रोमिसी का भी ये यहाँ पे रूल बताया गया है कि प्रोमिसी भी उसे जो एप्लीकेशन दे तो उसे यूजुअल आवर्स का ही कहे कि आप इन यूजुअल आवर्स में ही आएँ और प्रॉपर टाइम हो और रीज़नेबल टाइम और रीज़नेबल प्लेस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीटर एंड जॉन इंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पीटर प्रोमिसज टू फिक्स जॉन्स कार Whenever he ask him to, Peter और John ये promise करते हैं कि Peter promise करता है John को कि अगर John की गाड़ी कभी भी ख़राब हो गई तो वो उसे ठीक कर देगा। ठीक है, Peter also takes an advance payment for the same, उसने advance से payment भी लिया इस काम के लिए। When John ask Peter to fix his car, he must ensure that he doesn't ask Peter to go a lot out of his way. Also, he must perfectly ask for repairs during business hours. ठीक है, तो यहाँ पर पीटर ने जॉन से प्रॉमिस तो किया है कि वो किसी भी टाइम पर जब भी वो मतलब कहेगा उसकी गाड़ी को फिक्स कर देगा और उसके लिए पेमेंट भी ले ली, लेकिन यहाँ पर जो जॉन है उसके पास ये राइट है कि वो जब भी उसे एप्लीकेशन दे कि आपने मुझे अब ये मेरा काम कर दें, उसे यूजुअल आवर्स पे देनी है, प्रॉपर टाइम पर देनी है। ऐसा ना हो आधी रात को वो बोल रहा है कि आपने मुझसे प्रॉमिस कर मैंने आपको प्रॉमिस किया था अब आप आकर परफॉर्मेंस दें, नहीं, उसे रीज़नेबल टाइम पर देनी है। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो अलग अलग केस का अलग अलग तरह से होता है। जब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात आ जाती है तो फिर जिस
किस्म का भी केस होगा या जिस किस्म का भी प्रॉमिस और नेचर होगी, उसके सर्कमस्टांसिस होंगे, उसके हिसाब से होगा। इसके बाद सेक्शन 49 है जो कहता है प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। इमेजिन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द प्रॉमिस नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्सो द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज अनस्पेसिफाइड इन सच अ सिनेरियो। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिसी आस्किंग हिम टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर प्रोमिसर ना ही तो कोई एप्लीकेशन दे रहा है और ना ही तो कोई जगह बताइए कि परफॉर्मेंस देनी कहाँ है। जाहिर सी बात है प्रोमिसी ने कोई जगह ही नहीं बताई और ना ही तो एप्लीकेशन देनी है उसे, कोई उसने दी है देनी है उसे क्या परफॉर्मेंस दे। तो फिर यहाँ पर जो प्रोमिसर है उस पर लाजिम है कि वो अप्लाई करे, प्रोमिसी को पूछे कि आपको किस जगह पर परफॉर्मेंस करवानी है। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया अगर जगह पता है किसी को तो वो, टाइम नहीं पता तो टाइम तो रीज़नेबल आ जाता है, लेकिन जब जगह ही नहीं पता तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है इस सेक्शन 49 में कि ये ड्यूटी है प्रोमिसर की कि वो अप्लाई करे प्रोमिसी को कि वो एक रीज़नेबल प्लेस अपॉइंट करके दे उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पीटर प्रोमिसेस टू डिलीवर 5 टेलीविजन सेट्स टू जॉन ऑन अ फिक्स्ड डे एंड टाइम। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मैंशन एन एड्रेस। इट इज़ पीटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई टू जॉन एंड आस्क हिम टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस वेयर ही कैन सेफली एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। पीटर ने प्रॉमिस किया है जॉन को कि वो 5 टेलीविजन उसे देगा, डिलीवर करेगा और एक फिक्स डे भी बता दिया और टाइम भी बता दिया, लेकिन जगह नहीं बताई किस जगह पर करना है, एड्रेस नहीं बताया। तो फिर यहाँ पर तो जाहिर सी बात है पीटर जिसे ऑर्डर दिया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो प्रॉमिस ही है उससे पूछे कि किस जगह पर इसे डिलीवर करना है, ठीक है, और वो जगह इतनी रीज़नेबल हो कि वो आराम से डिलीवर करवा सके। ये बताया गया है सेक्शन 49 में कि अगर एप्लीकेशन भी नहीं दी गई और ना ही तो कोई प्लेस बताई गई है परफॉर्मेंस की तो क्या होगा। तो ये होगा कि प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो प्रोमिसर को अप्लाई करें, कहे कि आप मुझे एक रीज़नेबल प्लेस बताएं। इसके बाद सेक्शन 50 है जो बताता है परफॉर्मेंस एज प्रिस्क्राइब बाय द प्रोमिसर। यानी कि जो प्रोमिसर है उसने कोई एक ऐसा मैनर बता दिया है, ठीक है, या एक टाइम बता दिया है तो उसी टाइम पर ही आना है, आपने परफॉर्मेंस करनी है। इसे मिसाल के तौर पे प्रोमिसी ने प्रोमिसर को कहा है कि आप मेरे जो गुड्स डिलीवर कर रहे हैं वो आपने ट्रक में नहीं करने, उसे लोड करवाएं आप ट्रेन में, ठीक है, क्योंकि आप ट्रक में करेंगे तो मेरे गुड्स ख़राब हो जाएंगे, आप ट्रेन में लोड करवाएं। मतलब इस तरह का अगर उसने मैनर कोई बता दिया है तो वो उसी के हिसाब से उसे पे करना है, या फिर प्रोमिसी से पैसे लिए हुए हैं प्रोमिसर ने और उसे कहा है कि मैं आपको किसी भी टाइम लौटा दूंगा जब आप कहेंगे और जैसे आप कहेंगे, ठीक है। तो प्रोमिसी प्रोमिसर को कहता है कि आपने मुझे जो मेरा लोन जो आपने मुझसे पैसे लिए थे वो पे बैक करना है तो आप मुझे पोस्ट के थ्रू वो सेंड कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब उसने एक मैनर बता दिया कि आपने मुझे पोस्ट के थ्रू ही उसे पे बैक करना है। तो फिर यहाँ पर प्रोमिसर के ऊपर लाजिम है कि जो उसे मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है, प्रोमिसी ने किया है, वो उसी के थ्रू उसे सेंड करें, ठीक है। और जिस जगह का भी उसने कहा है कि उसने बताया है कि आप मुझे इस जगह पर डिलीवरी करवाएं, किसी गुड्स की या परफॉर्मेंस करें, तो उसी जगह पर करनी है जो प्रोमिसी ने उसे प्रिस्क्राइब कर दी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन्स सन इज़ इन द हॉस्पिटल, ही नीड्स मनी फॉर हिज सन्स ऑपरेशन। जॉन जो है उसका बेटा हॉस्पिटल में है और उसको पैसे की ज़रूरत है, उसके बेटे का ऑपरेशन होना है। पीटर एक बंदा है जिसने जॉन से पैसे लिए थे एक टाइम पर, उसे कहा था कि मैं आपको ये रीपे कर दूंगा आप जिस भी टाइम जब भी मुझे कहेंगे। तो फिर इस केस में जॉन के पास ये पूरा राइट है कि वो पीटर को कहे कि अब आप मुझे परफॉर्मेंस करके दें जो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था और कहा था कि मैं आपको रीपे कर दूंगा किसी भी टाइम जब भी आप कहेंगे, तो इस टाइम आप करें और इस मैनर में करें, मतलब जल्दी करें। तो यहाँ पर प्रोमिसर के पास ये प्रिस्क्राइब्ड है कि वो प्रोमिसी
आपने जो उसे एक मैनर प्रिस्क्राइब कर दिया और प्लेस भी बता दी है कि अभी आप हॉस्पिटल में आकर मुझे ये रीपे करके जाएं, तो उसे उस पर ही करनी। तो ये था चैप्टर 4 का थर्ड पार्ट, जिसमें टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस बताई गई थी, जो कि सेक्शन 46 टू 50 था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।